हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए लिव क्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी रही पार्टी? मम्मी ने फ्रेंड्स को बुला लिया था जो मैं नहीं चाहता था। तो क्यों नहीं चाहते थे? तुम्हें पता है तुम्हारी एज में तो ना मैं ये सोचती थी कि हर दिन मेरा बर्थडे होना चाहिए। तो अच्छा होता ना अगर हर दिन बर्थडे होता तो। पर किसी का बर्थडे हर दिन कैसे हो सकता है? इसलिए तो जिस दिन है उसे तो अच्छे से सेलिब्रेट करो। ये लो, मैं आपके लिए केक लाया हूँ। मैं भी कुछ लाई हूँ। चलो पहले केक। वाओ, थैंक यू। ये वाला तो मैं खा लूं। पहले बर्थडे बॉय खाएगा। अभी बर्थडे। चल अब बारी है गिफ्ट की। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। खोल के तो देखो। फुटबॉल। थैंक यू। फिर थैंक यू से काम नहीं चलेगा, खेलना भी पड़ेगा। सोसाइटी के बच्चे शाम में खेलते हैं ना, तुम भी खेलना उनके साथ। अरे हाँ, सेल्फी, हमारी सेल्फी रह गई। चलो शॉट बनाओ। बहुत सही समय पर आई। आजा जल्दी हाथ मुंह धो ले। नहीं माँ, आप लोग खाइए, भूख नहीं लगी है मुझे। देख तेरी पसंद की दाल बनी है, इसे खाने का नाम ले कैसा नहीं करते। देख दाल तो चटनी बस, इसी लाड़ प्यार ने सिर चढ़ा रखा है ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रियंका, लड़के वालों का कई बार फोन आ चुका है, उन्हें तेरी फोटो पसंद आई है, मिलने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो ना कर दो, शादी नहीं करनी है मुझे, कितनी बार कह चुकी हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा इस घर में रहना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन यह घर पापा का है तो इसलिए इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना आप दोनों का है। और रही बात खर्चों की ना, तो पूछ लीजिए भाभी से, हर महीने टाइम से पैसे दे देती हूँ। पैसे देती हो, कोई एहसान नहीं करती हो, ठीक है? और सौरभ ने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया तुम्हारा? मुझे आपसे वैसे भी बात नहीं करनी है, थैंक यू वेरी मच। I'm sorry, she is no more. क्या? उसे सिर्फ वॉमिटिंग हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रियंका की तबीयत पहले से खराब थी? नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। Might be हार्ट अटैक आया हो। मेरी बहन सिर्फ 37 साल की थी, कोई बीमारी नहीं थी उसे, हार्ट अटैक कैसे हो सकता है?
देखिए ये सिर्फ मेरा अनुमान है, बाकी सारी चीजें ऑटोप्सी के बाद ही क्लियर होंगी। ऑटोप्सी क्यों? आई थिंक दिस इज अ पुलिस केस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एक्सक्यूज मी। सर ये है प्रियंका की फैमिली। आप ऑटोप्सी की शुरुआत कीजिए। आप? जी मैं प्रियंका का भाई हूँ, गौरव दीक्षित। क्या हुआ था? सुबह हम मम्मी की आवाज सुन के प्रियंका के कमरे में गए तो देखा। क्या हुआ माँ? प्रियंका क्या हुआ? प्रियंका उठ। बाथरूम में? जी। कहाँ रहते आप? सर वोमिटिंग रेसिड्यू है, मरने से पहले वोमिट किया होगा। प्रियंका ने कल खाना पूरा नहीं खाया था? नहीं, वो बाहर से खा के आई थी, उसे भूख नहीं थी, पर मैंने उसके कमरे में खाना रखा कि कहीं रात को भूख लगे तो। प्रियंका काम क्या करती थी? रियल एस्टेट एजेंट थी। स्वाति फॉरेंसिक को बुलाओ। राइट। मम्मी क्या हुआ? वो प्रियंका को सुबह हॉस्पिटल ले गए थे और अब पुलिस आई है उसके घर। हेलो, क्या प्रियंका की डेथ हो गई? नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। घाव हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कई घाव दिखते हैं और कई नहीं दिखते। कई बार जो घाव नहीं दिखते हैं वो हमारी आत्मा हमारी सोच पर ऐसे निशान छोड़ देते हैं जिन्हें शायद हम खुद भी नहीं पहचान पाते। एक 37 वर्षीय लड़की प्रियंका के परिवार को उसका शव उसी के बाथरूम में मिलता है, या फिर प्रियंका की मौत बहुत सारी बातों से पर्दा उठाने वाली थी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका की मौत नींद की गोलियों की हैवी डोज की वजह से हुई। नींद की गोली? जी सर, 10-12 से ज्यादा गोलियां। पहले प्रियंका को वोमिटिंग सेंसेशन हुआ, फिर उसने वोमिट किया, उसे नींद आ गई और विंड पाइप चोक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। सर लेकिन हमें कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। हमने प्रियंका के बाथरूम की और बेडरूम की जो तस्वीरें ली है उसमें भी कहीं स्लीपिंग पिल्स की बॉटल नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि हमें दोबारा बारीकी से उसके घर की तलाशी लेनी होगी। नींद की गोलियां? जी। क्या प्रियंका परेशान थी या फिर डिप्रेशन का शिकार थी जिसकी वजह से उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ी हो? मेरी बच्ची को कभी खुशी नहीं मिली, पड़ गई ठंडक तुम दोनों के कलेजे में। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? सर वो अक्सर। माँ प्रियंका तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? माँ को डायबिटीज है। सौरभ वो बस माँ का मन कर रहा था इसलिए लेकर आ गई। सबको पता है इस घर में कि मुझे डायबिटीज है, मरना तो है ही एक ना एक दिन, तो खा के क्यों ना मरूँ? हाँ कोई मर जाए ना तो 2-4 दिन का रोना होता है, और अगर ये खा के आप बीमार पड़ गए तो सबकी मुसीबतें बढ़ेंगी। वैसे भी एक बोझ कम नहीं है इस घर में। सौरभ चुप करा तेरी बीवी को। तो गलत क्या कह रही है? 37 की हो गई, कब करेगी शादी? नहीं करनी मुझे शादी। मम्मी को लगता है कि हमें उनसे दिक्कत थी, लेकिन हम तो उनका भला ही चाहते थे। प्रियंका के कमरे में खाने की प्लेट। सर बताया था ना आपको, ये तो मैं ही लेकर गया था। प्रियंका खाने पे गुस्सा क्यों निकालती? मन नहीं है। थोड़ा सा खा ले। कोयल तेरी भलाई के लिए ही कहती है ना। अच्छा अगर शादी नहीं करनी है
तो आगे क्या सोचा है लाइफ के बारे में? मैं अब दोबारा घाव नहीं चाहती। मतलब 5 साल पहले प्रियंका अमित पुरोहित के साथ रिलेशनशिप में थी, वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अमित बहुत ही गुस्से वाला आदमी था, वो आए दिन प्रियंका पर हाथ उठाता था। शादी से कुछ दिन पहले ही प्रियंका ने अमित, ये सब क्या है? 10 दिन बाद हमारी शादी होने वाली और तुम ये सब कर रहे हो? शर्म आ रही है मुझे तुम पर, लेकिन मैंने तुम्हारी मार तक झेली, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी कभी भी। हमारी शादी का कार्ड दिखाने आई थी तुम, शादी तो हमारी होके रहेगी। मैंने फैसला ले लिया है। मेरा हाथ छोड़ो अमित। प्रियंका ने अमित से शादी नहीं की थी, उस इंसिडेंट के बाद वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। सर, हम तो उनके भले के बारे में ही सोचते थे, और छोटी मोटी बहस किस घर में नहीं होती। चुप करो, तुम दोनों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, बोझ लगते थे ना तुम दोनों को। सर, ये देखिए नींद की दवाई। सर, ये तो मम्मी की दवाई है, मेरे पास इसका प्रिस्क्रिप्शन भी है। फॉरेंसिक में भेजो इसे। सर, माँ के अकॉर्डिंग प्रियंका की शादी न करने और यहाँ रहने से भाई भाभी ज्यादा खुश नहीं थे। सर, हो सकता है प्रियंका खुद ही अपने अकेलेपन से खुश ना हो और उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन जिस इंसान को पता है कि वो सुसाइड करने वाला है, अगले दिन सुबह इस दुनिया से चला जाएगा, क्या वो दूसरे दिन पहनने वाले कपड़े तैयार करेगा? प्रियंका के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता करो, स्पेशली प्रियंका का लास्ट डे। उस लास्ट दिन की प्रियंका की हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, पता करो कि प्रियंका के सिस्टम में नीम की गोली कब और कैसे आई। यस जी सर। अब प्रियंका मैडम की किसी से कोई खास बातचीत नहीं थी, लेकिन हाँ, जय के साथ उनकी अच्छी बनती थी, वो दोनों अक्सर साथ में घूमते हुए दिखाई देते थे। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। लेकिन मनीषा मैडम, मनीषा कौन? जय की मम्मी। उन्हें प्रियंका मैडम पसंद नहीं थी। जय, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो जल्दी से। खोलो आंखें। जय, क्या कर रहे हो तुम? 1000 बार मैंने तुमसे कहा है मेरे बच्चे से दूर रहो, समझ में नहीं आता तुम्हारे? तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए मेरे बच्चे पर, समझी? चलो जय। भाभी, तब पता नहीं मनीषा मैडम को क्या प्रॉब्लम थी। जिग्नेश, खाना फ्रिज में है, गरम करके खा लेना, मुझे आते आते लेट हो जाएगा। उसमें कौन सी नई बात? कल भी तो तुम लेट ही आई थी। कल देव के साथ थी ना, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। पूछोगे नहीं आज कहाँ जा रही हूँ? आज संजय के पास जा रही हूँ। जिसके पास जाना है जाओ, जिसके साथ रहना रहो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अब तुमसे नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी? बाय। मैडम, ये सुसाइड का मामला है। आप कौन? जी, मैं संजय दुबे, इस नवजीवन सोसाइटी का सेक्रेटरी। लेकिन मैडम, आप ऐसे बार बार यहाँ आओगी तो हमारी रेपुटेशन खराब होगी, मतलब हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होगी। संजय दुबे जी, ये दुनियादारी करने से अच्छा है आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए। प्रियंका को जानते थे आप? जी, जानता था। सोसाइटी में जैसे सबको जानता हूँ, वैसे उसको भी जानता था।
अरे सुनो, इधर आओ। ये मनीषा कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, शायद कहीं गई होंगी मैडम। सर, सर ये रहे प्रियंका के कॉल डिटेल्स। एक काम करते हैं गुप्ता, ये प्रियंका की संडे की एक्टिविटीज को शुरू से शुरू करते हैं। सर प्रियंका के मोबाइल में एक सेल्फी मिली है जय और प्रियंका की। वो फोटो करीब 11:15 पर खींची गई और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मनीषा जो कि जय की माँ है उसने प्रियंका को कॉल किया था 11:35। लेकिन ये प्रियंका और मनीषा की तो बनती नहीं थी ना। जी सर, उसके बाद प्रियंका ने अमित पुरोहित, जिग्नेश और मोनिका को भी कॉल किया था और उसके बाद करीब शाम को 7:45 उसने करण को भी कॉल किया और 8:30 के बाद अमित का फोन आया था प्रियंका को, 15 सेकेंड ही बात हुई थी। अमित पुरोहित ये वही है ना जिससे प्रियंका की शादी होने वाली थी? जी सर, प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक अमित ने उसे कई बार कॉल किया था और जब मैंने प्रियंका के SMS डिटेल चेक किए तो पता चला कि वो लोग संडे को 12:00 कैफे में मिलने वाले थे। सर मैंने फुटेज भी निकलवाई, दोनों वहाँ मिले थे। सर लेकिन ये फुटेज तो कुछ और ही बता रही है। स्वाति, तुम ये करण और मनीषा से मिलो। राइट सर। और गुप्ता सर, तुम ये अमित को उठा के लेके आओ। जी सर। प्रियंका दीदी सच में मर गई? मैंने फोन किया था प्रियंका को थैंक यू बोलने के लिए। उसने जय को गिफ्ट दिया था ना, इसलिए। जय बेटा, तुम प्रियंका से कहाँ मिले थे? मयूर नगर गार्डन में। वो तो यहाँ से 20 मिनट दूर है ना? हाँ। हमें प्रियंका के फोन में जो लास्ट सेल्फी मिली है वो 11:16 की। अगर हम ये मान भी ले कि जय वहां से तुरंत निकला होगा तभी वो घर 11:40 के पहले नहीं पहुंचा। फिर आपने गिफ्ट बिना देखे 11:35 को प्रियंका को कैसे कॉल कर लिया? उस दिन जय घर पे नहीं था तो मुझे शक था कि वही वो प्रियंका से मिलने तो नहीं गया, इसलिए मैंने उसे फोन किया। हाँ वो मेरे साथ ही था। मेरे बेटे से दूर रहने का क्या लोगी तुम? हाँ उसे भी तुम अपनी तरह बनाती जा रही हो प्रियंका। मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका के साथ रहना इसे अच्छा लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी प्रियंका ने काटी वो मेरे जय को भी अपने जैसा बना दे। जय बेटा, आप ठीक हो? चांदच, और मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। एक मिनट, मुझे जैसे कुछ बात करनी है। अंदर जा। मैडम प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखिए। मुझे किराए पे घर चाहिए था और मुझे पता चला कि प्रियंका रियल एस्टेट एजेंट बन गई है, इसीलिए मैं उसे कांटेक्ट किया। वो मुझे घर दिखा रही थी। प्रियंका ने तुझे जो जो घर दिखाए उसकी लिस्ट हमें चाहिए। वो एक्चुअली वो सर वो ये कौन से घर दिखा रही है? एक सच सच बता दी वरना तेरा इतिहास देखकर हमें तुझे अंदर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बता बता।
सर, प्रियंका से शादी टूट जाने के बाद मैंने किसी और से शादी करी और फिर हमारा डिवोर्स हो गया, तो मैं प्रियंका को वापस मिलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे घर देखना है। बड़ी मिन्नतों के बाद वो मुझे मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सर वो एकदम बदल चुकी थी, बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी। मतलब प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए शादी नहीं की, तो फिर क्यों इतना भाव खा रही है? होश में आने के लिए इतना पानी काफी है या फिर और डालो? मुझे मेरी जिंदगी में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? सर पहले तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। तूने उसको रात को फोन किया था ना? तेरी लोकेशन उसके घर के आसपास की थी। अरे सर, मैं उसको इसीलिए फोन कर रहा था क्योंकि मैं उसके घर के नीचे था और उसे कह रहा था कि मुझसे आके मिल, लेकिन वो आई नहीं। और फिर मैं तकरीबन रात को 2 बजे वहां से निकला। अगर आपको चाहिए तो आप मोहल्ले की CCTV फुटेज चेक कर सकते हो। हाँ मैम, मैंने उन्हें संडे को कॉल किया था। एक्चुअली ये घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया, और ये देखिए ना मैम कितनी घर में लीकेज की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने कई बार उन्हें बताया भी, और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। उन्होंने कहा कि कल आके देखती हूँ। समाज में शादी करना ही अक्सर सेटलमेंट का रूप माना जाता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष शादी नहीं करना चाहता है तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई बागी है, समाज के खिलाफ है, समाज में रहने के लायक नहीं। पुलिस को प्रियंका के बारे में ऐसी कई चीजें पता चल रही थी। एक तरफ जहां पुलिस प्रियंका की जिंदगी से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही थी, वहीं प्रियंका के आखिरी दिन यानी संडे को उसकी सारी एक्टिविटीज की जानकारी भी इकट्ठा कर रही थी। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। प्रियंका के रूम में जो खाना मिला उसमें स्लीपिंग पिल्स के ड्रेस नहीं मिले, जो दवाई हमें घर से मिली और प्रियंका के पेट से जो दवाई के ट्रेस मिले, दोनों के केमिकल कंपोनेंट्स डिफरेंट है। घर के खाने से दवाई के ट्रेसेस नहीं मिले, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्रियंका ने घर आने से पहले जो खाया था उसमें दवाई थी। स्लीपिंग पिल्स की असर 1.5 से 2 घंटे में शुरू होती और प्रियंका रात को 9 बजे घर आई। इसका मतलब हमें यह पता करना है कि प्रियंका शाम को कहां गई थी, किससे मिली थी, उसने क्या खाया था। सर नवजीवन सोसाइटी की CCTV कैमरा को चेक किया मैंने, अमित सच बोल रहा है। वो रात को 2:12 तक बिल्डिंग के बाहर ही था, फिर वहां से निकल गया। प्रियंका रात को 9 बजे घर में गई, फिर बाहर निकली। और बाकी लोगों का क्या जिसे प्रियंका उस दिन मिली थी? इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। अपनी टीम्स और अपनी खबरियों को एक्टिवेट करो, केमिस्ट शॉप पे चेकिंग शुरू करो, एक लिस्ट बनाओ कि किसने किसने उस कंपनी की दवाई खरीदी थी। आई नो ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये केस सॉल्व करने के लिए हमें इसे ही लीड बना के आगे चलना होगा। ब्रोकर लोग मिलके भी काम करते हैं मैडम, और ब्रोकरेज भी शेयर कर लेते हैं। प्रियंका और जिग्नेश भाई दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये बात जिग्नेश भाई की बीवी आयशा को पसंद नहीं थी। ये घर की डिपॉजिट 30,000 है, कहां ये घर का एग्रीमेंट हो चुका है। मुफ्त मेहनत मत कर, तुझे क्या लगता है मेरे पति के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ तू कर सकती है? मेरे पति से दूर रहे। आयशा वो खुद मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स देते हैं, ठीक है? और तू मेरी छोड़, पहले ये देख कि तू खुद कहाँ गलत है। तो मेरी पर्सनल लाइफ है। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ। तो समझ के क्या अपने आप को? क्या समझ गया? हाँ? तू देख, रुक जाइए आप, प्लीज छोड़ मेरा हाथ। अब रुक जाइए। तू देख अब मैं मार्केट से कैसे निकालती हूँ तुझे। मैडम दोनों की दुश्मनी पूरे मार्केट में फेमस थी। ये आयशा कहाँ मिलेगी? सर जिग्नेश ने हमें प्रियंका का नंबर दिया था, और उसने सर हमें 2-3 घर भी दिखाए थे, लेकिन सर हमें घर नहीं पसंद आए थे। तो हमने उसे बोला था कुछ और ऑप्शन दिखाने के लिए, तो उसने हमें यही बोला था कि अगर कुछ अच्छे ऑप्शन आएंगे तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। ये जिग्नेश कौन है? सर वो हमारा ब्रोकर है। सर प्रियंका संडे को तकरीबन
ढाई बजे मुझसे मिलने आई थी। आपकी बीवी आयशा और प्रियंका के बीच झगड़ा था ना? आयशा प्रियंका के बीच में प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं प्रियंका को ही अपने सारे कॉन्टेक्ट शेयर करता था, आयशा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि आयशा मेरे लिए सिर्फ एक नाम की बीवी बनकर रह गई थी। आपके और प्रियंका के बीच में कुछ था क्या? प्रियंका मेरी बहन की तरह थी, बल्कि उसने सारा काम मुझसे सीखा। सच तो यह है कि आयशा सिर्फ मेरे नाम को इस्तेमाल कर रही थी, बाकी वो हर दिन किसी और आदमी के साथ होती थी। सर ये आयशा की डायरी। आयशा जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे प्रियंका से प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हमने प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। प्रियंका की मौत के पहले आपके और प्रियंका के बीच काफी कॉल्स एक्सचेंज हुए। वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी मदद कर रही थी। मदद? कैसी मदद? मेरे पास आई थी। क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? आयशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा पति तेरी इतनी मदद कर रहा है, वो काफी नहीं है तेरे लिए? और अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? आयशा, मेरा पड़ोसी जय, वो संजय ने, आयशा संजय ने जय का रेप किया है। संजय ने जय का रेप किया? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस के पास जाओ। आयशा, जय वो बेचारा बच्चा बहुत गुमसुम है इस समय, बहुत डरा हुआ है। इनफैक्ट उसने ये सारी बातें अपनी माँ से भी नहीं बताई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा संजय से मिलना जुलना है। प्लीज आशा, तुम किसी भी तरह संजय से ये सारी बातें कन्फेस करा लो। बहुत कोशिश के बाद संजय ने मेरे सामने कन्फेस किया और मैंने उसका वीडियो बनाया। अच्छा, मैं उस दिन नशे में था, डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और सामने जय था। वो अपनी बॉल लेने घर आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जय का रेप किया है। कहाँ है वो वीडियो? मैं वीडियो बना पाई उसके पहले ही प्रियंका की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैंने वो वीडियो सौरभ को दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जय का रेप किया है। वॉचमैन से पता करो ये संजय कहाँ गया। राइट सर। नहीं मैडम, हमें नहीं मालूम संजय साहब कहाँ हैं। हमने तो उन्हें दो दिन से नहीं देखा। ये सब मैंने किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जय का रेप किया है। तुमको नहीं लगता कि तुम्हें ये वीडियो लेकर हमारे पास आना चाहिए था? सर संजय दो दिन से गायब है और उसका फोन भी बंद है। लेकिन सर, जिस दिन प्रियंका की मौत हुई पूरी शाम संजय मेरे साथ था। कहाँ थे तुम लोग? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। एक दोस्त के घर पे थे, गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में कौन कौन था? मुझे सबके नाम और नंबर्स चाहिए अभी। जहाँ प्रियंका 11 साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत के सबूत जुटा रही थी, वहीं कोई उसके सबूत पुलिस से छिपा रहा था। पुलिस को लग रहा था कि वो कातिल तक पहुंच गई है, लेकिन आगे आने वाली कहानी में कई और राज खुलने वाले थे। जी सर। जय कहाँ है? क्या बात है सर? स्वाति। सर। अरे सर, क्या हुआ है बताइए तो सही। जय घर पे नहीं है, वो अपने नाना के यहाँ गए हैं। कहाँ रहते हैं आपके पिता? यहाँ पास के मोहल्ले में।
चलो बेटा हम अंदर जाके बात करते हैं। आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? सर मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन जय मेरे यहाँ आया था। नानी उसने प्रियंका दीदी को मार दिया, आज पुलिस आई थी। कौन बेटा, किसने मारा? पापा ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय ने मुझे सब कुछ बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अंकल वो बॉल आ गई आपके घर में। जा अंदर जा के ले। थैंक यू अंकल। अगर किसी से भी कुछ कहा तो तेरे मम्मा को खत्म कर दूंगा और तेरे पापा के पास भेज दूंगा, समझा? इस वजह से मेरा बेटा गुमसुम रहने लगा था। हाँ और प्रियंका उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसके मौत के बाद मैंने ये सब प्रियंका दीदी को भी बताया था। नो प्लीज मम्मी को यहाँ बुलवा लो, प्लीज उनको बचा लो वरना उनके साथ भी ऐसा कर देगा। नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा कोई। पापा आप सब कुछ जानते थे फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों पापा क्यों? क्या पसंद है आपको? सर इधर आइए जल्दी। अरे सर रुकिए ना, सब कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट सर। का मुंह खोल। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो सर, मेरे प्रियंका को नहीं मारा, मर जाऊंगा, ये लोग मुझे मार देंगे सर, मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ सर। सर मैंने प्रियंका को नहीं मारा, मैं नशे में था सर, गलती हो गई, उस गलती के लिए मैंने बार बार प्रायश्चित भी किया है सर। अब कानून के हिसाब से अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें। मेरे नाती के जीवन को बर्बाद कर दिया था उस आदमी ने सर। अरे मैंने कहा था आपको मार्केटिंग के बाद सीधा घर चलते हैं। क्या हुआ क्या है इनको? सर का बीपी लो हो गया है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप घर छोड़ दीजिए, हमें पास में घर है, मैं इनको कॉफी पिला दूंगा, ठीक हो जाएंगे। सजा देने के लिए कानून है, आपको हमारे पास पुलिस के पास आना चाहिए था। आपके सभी दोस्तों ने और संजय ने ही हमें बताया कि आप किस टाइप के गेट टुगेदर करते हैं। संजय को बचाने के लिए तुमने वो वीडियो छुपाया ना? मैंने वो वीडियो इसलिए छुपाया क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर निकलती तो मेरी बहन की बातें भी बाहर निकलती। क्या मतलब? अमित से रिलेशनशिप टूटने के बाद प्रियंका का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। वो लोगों से सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। एक वो रहता है, बुरा मत मान, पर तेरी बहन को मैं हर दिन अलग अलग गाड़ियों में से उतरते हुए देखता हूँ। देख मुझे उसके पर्सनल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं लगता ना सौरभ। ये मेरी लाइफ है। शादी कर ले प्रियंका,
ये सब करने से लाइफ नहीं कटने वाली। तो प्लीज ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। एक बार नहीं कई बार उसे समझाया लेकिन वो समझी नहीं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा हमें मिल रही थी कि जाने अनजाने में हमारे या हमारे परिवार के हाथों जो गुनाह हुए हैं हम उसका प्रायश्चित कर सकें। मैं तो अपने परिवार में सबके गुनाहों की माफी भी मांगता था। आप जानते हैं कि प्रियंका किस किस से मिलती थी? नहीं सर। सर प्रियंका के फोन से ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा जिससे ये पता चले कि इस समय किसे डेट कर रही थी या किससे मिल रही थी। ठीक है उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। सर हम लोग हमेशा मंथ एंड में स्टॉक चेक करते हैं तो पता चला कि हमारे स्टॉक में स्लीपिंग पिल्स की एक बोतल गायब हुई थी। चिंटू खबरी ने बताया था इस केस के बारे में। आपको पता है ये काम कौन कर सकता है? इसमें है। कौन है ये बंदा? कहाँ रहता है? सर ये सुनील है। 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया और अभी तो फोन भी नहीं आंसर कर रहा है। मुझे सुनील की डिटेल्स चाहिए। सर उसने मुझे 15,000 दिए थे उस आदमी ने सर। किसने? मैं नहीं जानता उसे सर। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी इसलिए मुझे वो दवाई दे दी सर। दवाई दवाई दे। जो दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना गैर कानूनी है तूने वो दवाई दी कैसे? सर मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था इसलिए गांव पैसे भेजने थे। तू वो आदमी का स्केच बनवा सकता है? हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? गुप्ता सर गिरफ्तारी के पहले हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप लोग सर क्या बात है सर? घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है। घर में लीकेज की प्रॉब्लम है और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? सर सर उस दिन मैं प्रियंका का पीछा कर रहा था। जैसी वो फ्री हुई मैं उससे मिला फिर हम दोनों एक कैफे पे चले गए। समीर आपके साथ है क्या? प्लान के मुताबिक करण ने उसको फोन किया ताकि हम पर कोई शक ना करे। तुमने प्रियंका को मारा क्यों? प्रियंका से घर लेने के बाद उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। फिर एक दिन जब मैं घर पहुंचा करण प्रियंका वो हम दोनों के साथ थी पर उस दिन के बाद तो क्या प्रॉब्लम है अरे तुम्हारी एज के लड़कों को तो ये सब एक्सपीरियंस चाहिए होती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक साथ आप किस नहीं है पॉसिबल। ठीक है फिर घर खाली करवा देंगे भटकते रहना यहाँ से। ऐसे मत करना हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं हमारा करियर दांव पे लग जाएगा। सिर्फ करियर नहीं तुम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर मैंने ये बात तुम दोनों के घर वालों को बता देता हूँ। जैसा बोलती हूँ वैसा करती जाओ। तुम दोनों मुझे खुश रखो और मैं तुम दोनों को खुश रखूंगी। सर हम उसके हाथ की कठपुतली बन गए थे हमारा भविष्य खराब हो रहा था सर उसका मर जाना बेहतर था। तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था कानून उसे सजा देता
तुमने जो किया है ना उससे भविष्य तो अब भी तुम्हारा अंधकारमय है। प्रियंका एक बुरे रिलेशनशिप से बाहर निकली थी जिसके बाद उसका नजरिया इस हद तक बदल गया कि शायद उसे खुद पता नहीं चला कि वो कब अमित की तरह बन गई। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उससे सबक लें, ना कि दूसरों के साथ भी वही करें। काफी लोग बुरे रिलेशनशिप का शिकार होते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत है किसी से बात करने की। समाज आपसे और हमसे है, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।